जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है सबसे पहले ऑपरेशन अजय लॉन्च, मोदी जी ने भारतीयों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। जी, वो बात भी सही है। स्टेट जो टाइटल बनाया आपने वो टाइटल सही है। मोदी जी ने कभी भी हमारे देश को अकेले नहीं रहने दिया, हर एक समय में उसके साथ रहते हैं, वो भी बात सही है। और ऑपरेशन अजय दोस्तों जो लॉन्च किया गया है वो ऐसा है कि वहां पे अभी क्या कि प्राइवेट जेट भेजा जाएगा इजराइल में। हाँ। और जिस किसी भी भारतीय को इंडिया आना है, मतलब भारत वापस आना है, वो वापस आ सकते हैं, इसीलिए ऑपरेशन अजय को चलाया गया है। हालांकि जो इजराइल की नागरिकता धराते हैं और उसको मतलब उसको भी आना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसी के साथ बलजबरी नहीं की जाएगी, यहाँ से स्टार्टअप प्लान भेजा जाएगा और वहां से लोगों को इधर लाया जाएगा। तो ये ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन अजय। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पर पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसराइल में फंसे भारतीयों को निकालने की तैयारी भारत ने शुरू कर ली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सरकार ऑपरेशन अजय के तहत जो भारतीय इसराइल में फंसे उनको वापस लेकर आएगी। आई कंग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉर लॉन्चिंग ऑपरेशन अजय टू ब्रिंग इंडियन सिटीजन बैक फ्रॉम इसराइल। इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहां पे फंसे हुए हैं उनके तो वो इनसे एंगेज कर सके। स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स एंड अदर अरेंजमेंट्स हैव बीन पुट इन प्लेस एंड द इंडियन गवर्नमेंट शोज इट्स फुल्ली कमिटेड टू द सेफ्टी एंड द वेलबीइंग ऑफ आवर नेशनल्स अब्रॉड। हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के सिटीजन्स जो कि इसराइल में हैं उनके मुतालिक ये कहा गया है कि वर्किंग कॉन्स्टेंटली टू हेल्प इंडियन सिटीजन्स। और इस वक्त मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि 84 मुल्क हैं इस वक्त जो इजराइल के पीछे खड़े हैं, 84 मुल्क हैं जो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं। यानी कि इसराइल को, इसराइल में जो एम्बेसी मौजूद है और जो एम्बेसडर हैं इसराइल में इंडिया के, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फिक्र है और वो मुसलसल काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया के सिटीजन्स को इंडिया वापस भिजवाएं। क्या ये जंग जो ईरान तक आएगी, और अगर ईरान तक आएगी तो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर जहां मिल रहे हैं तो क्या पाकिस्तान यहां से बच पाएगा? यूएन भी खामोश है, ओआईसी भी खामोश है, अरब लीग भी खामोश है, जीसीसी भी खामोश है। क्या ये एक पैगाम दे दिया गया है वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न और इस्लामिक दुनिया से, हमास और इस तरह के जितने ग्रुप हैं, कि भाई ये जो स्टाइल है रेजिस्टेंस का ये काबिले कबूल नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसराइल और हमास की लड़ाई में आम नागरिकों की जिंदगी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसराइल में लगभग 18,000 भारतीय मौजूद हैं। युद्ध की आहट को देखकर भारत ने अपने नागरिकों को वहां से वापस लाने के लिए कमर कस ली है। भारत ने इसराइल से अपने नागरिकों को वापिस लाने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत कर दी है। भारतीय दूतावास ने बुधवार को इसराइल में भारतीय नागरिकों से शांत और सतर्क रहने का आग्रह किया। दूतावास ने इसराइल में भारतीय नागरिकों को आश्वस्त किया कि वह स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक रिकॉर्ड संदेश में इसराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने कहा, यह आपको आश्वस्त करने के लिए है कि दूतावास आपकी सुरक्षा और कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है। हम सभी बहुत कठिन समय से गुजरे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, हम ऑपरेशन अजय की शुरुआत बहुत जल्द कर रहे हैं और आज ही पहली फ्लाइट आने की उम्मीद है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि इंडिया की एक बड़ी कम्युनिटी इसराइल में रहती है। इसराइल में मुख्तलिफ ऐसे काम हैं खास तौर पर जो हेल्थ के हवाले से, और टीचर्स बड़ी तादाद में इंडिया के इसराइल में मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद ऐसी थी कि जिनको फौरी तौर पर वापस लाया गया इंडिया में और वो वापस पहुंचा दिए गए, उनके लिए फ़्लाइट्स का बंदोबस्त किया गया, जो फंस गए थे। कुछ ऐसे आर्टिस्टों के बारे में भी हमें पता चला कि वो वापस पहुंच गए हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद जाहिर है कि जब होती है आपकी किसी दूसरे कंट्री में तो वहां से फौरी तौर पर जो है तो नहीं आते, आहिस्ता आहिस्ता जो उसके लिए काम होता रहता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के सिटीजन्स जो कि इसराइल में हैं उनके मुतालिक ये कहा गया है कि वर्किंग कॉन्स्टेंटली टू हेल्प इंडियन सिटीजन्स। यानी कि इसराइल को, इसराइल में जो एम्बेसी मौजूद है और जो एम्बेसडर हैं इसराइल में इंडिया के, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फिक्र है और वो मुसलसल काम कर रहे हैं
कि किसी भी तरीके से इंडिया के सिटीजन्स को इंडिया वापस भिजवाएं, जो कि जाना चाहते हैं अभी, जो वहाँ पर अगर फंस गए हैं कहीं पर और वो अपने वतन अपने कंट्री वापस जाना चाहते हैं, तो उनको भिजवाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। और वैसे भी क्योंकि वहाँ पर अब जंग जो है वो आज पाँचवा छठा दिन हो चुका उसका, और जो सूरत हाल है वो तो आप जानते हैं, तो कोई भी कंट्री जो है ये नहीं चाहता कि उसके सिटीजन्स वहाँ पर रहें और फिर वहाँ पर किसी जो है वो मिसहैप हो या वो किसी ऐसी सिचुएशन में जो है घेरे जाएँ। तो इसके लिए इसराइल को बहुत फिक्र है, क्योंकि इसराइल और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो आप जानते हैं, और ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से जो इनके रिलेशंस हैं ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं। जब से जंग शुरू हुई तो उसी के साथ जो पहला सॉलिडारिटी का हमें एक बहुत प्रोमिनेंट मैसेज नज़र आया वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से था, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब के लिए, कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं और आपको जिस भी ज़रूरत है हम लड़ने तक के लिए तैयार हैं, ये सब कहा गया इंडिया की तरफ से। तो फिर अब ये खबर ये है कि वर्किंग कॉन्स्टेंटली टू हेल्प इंडिया इंडियन सिटीजन्स जो कि इसराइल में इस वक्त मौजूद हैं, तकरीबन 18,000 इंडियन सिटीजन जो हैं वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पे स्टडी करते हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में स्टडी करने वालों में एक बड़ी तादाद जिस कंट्री की होती है स्टूडेंट्स की, वो इंडियंस होते हैं। वो तभी तालीम की वजह से, देखें ना कहाँ पर पहुँचे हुए, इस वजह से उनको तालीम हासिल करने का शौक़ भी बहुत होता है और उनकी जो है वो तवज्जो भी हो, उनकी तो मतलब सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होती है वहाँ पर लोगों की। तो जनाब ये कहा गया है कि देयर आर अबाउट 1,000 स्टूडेंट्स और सेवरल IT प्रोफेशनल्स एंड डायमंड ट्रेडर्स। हाँ जी, देखिए वहाँ पे हैं भी कौन कौन इंडिया के, कैसी वो जॉब्स पे काम करें, वो ये नहीं कि मजदूर या इधर ऐसे जो है, यानी कि ठीक है वो भी बड़ी वो एक काम है दुनिया का बड़ा, लेकिन वहाँ के लोग या तो डायमंड ट्रेडर्स हैं वहाँ पर, या फिर IT प्रोफेशनल्स हैं, या फिर स्टूडेंट्स हैं, और या फिर हेल्थ वर्कर्स हैं, केयर गिवर्स हैं। अच्छा, इसमें फिर मैं ये देख रही थी कि क्या किया गया, तो जो एम्बेसडर हैं उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर जो अपना पैगाम भी दिया, जिसमें उनका कहना था कि हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं कि जितने भी हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको जो है वापस भिजवाया जा सके, और ख़ास तौर पर उनकी जो सिक्योरिटी वगैरह सेफ्टी है वो मेक श्योर उसको किया जाए। अच्छा, इसमें फिर ये हुआ कि एक जो वहाँ पर केरला के थे केयर गिवर, उन्होंने जो है जब पता ये चला कि वो किसी जगह पर फंस गए हैं, तो जो एम्बेसी थी तेल अवीव में वहाँ पर उन्होंने फौरी तौर पर उनकी पहुँच हुई और उनको उसके बाद, क्योंकि रॉकेट लगा था, शेल लगा था, वो शायद ज़ख्मी भी हुए, और उसके बाद वो उनको फौरी तौर पर बचाया गया और वहाँ से दो फिर वो एम्बेसी से इन टच रहे और उनकी बहुत मदद की गई। तार साहब, आपको पता है कि मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो तो दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जा रही है, और लेकिन दुनिया जो है उस पर रिस्पॉन्स कर रही है। एक तो तार साहब पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ 7 अक्टूबर को एक छोटी सी 4 लाइनों की प्रेस रिलीज जारी की, उसके बाद एक लफ्ज नहीं बोला। दूसरा तार साहब, इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है, और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके तो वो इनसे इंगेज कर सकें। एक बार तार साहब, इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मुसलमानों के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए, और ये फिर मगरब ही अच्छा है, यूरोप और अमेरिका अच्छा है जो दरवाजे खोल देता है जब भी लड़ाइयाँ होती हैं और कहता है आ जाओ, और अभी भी यूरोप के जो न्यूयॉर्क के होटलों में मुसलमान बैठे हुए हैं और बाकी मुल्कों के लोग बैठे हुए हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और इसमें बाकी ममालिक के किरदार पे भी बात करें तार साहब, ईरान का किरदार भी पे बात करें कि अब हमास ने क्या जो फलस्तीन के लोग हैं उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया है? अब वहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे कोई 20-30 वो बिल्डिंग्स गिरा देते हैं, पूरे का पूरा जो है वो मिट्टी के मैदान बन चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े इलाके। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट आर्ट साहब? चीमा साहब, सबसे पहले तो बिलखसूस आपके देखने वालों में हमारे कुछ पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े भी अल्टीमेटली हैं, वो आपका हिस्सा है वो देखने वाले, एक तो मैं उनसे एड्रेस करना चाहूंगा, ये वही लौंडे लपाड़े हैं जिन्होंने तालिबान ने जब काबुल घुसे थे तालिबान, तो यहाँ इन्होंने तालियां बजाई थी, इन्होंने अमेरिका इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाए, फिर उन्हीं तालिबान ने जब इनको मुंह पे थप्पड़ मारे हैं और उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरियां की हैं इनके मुल्क के बारे में, और इनकी आज आपकी इनकी इकॉनमी का मजाक उड़ाते हैं, अब वो तालिबान। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और पाकिस्तान में तो यार मतलब ये जश्न होगा,
अभी जिस हिसाब से बात मतलब उनमें भी जब से मोदी जी ने सपोर्ट करने की बात हुई तब से तो भाई पाकिस्तानी मीडिया मतलब बौखला गई है। बात रही ऑपरेशन अजय की, तो ऑपरेशन अजय स्टार्ट कर दिया है और उनमें भी जो भी हमारे नागरिक है उनको वहां से निकाला जाएगा और इंडिया वापिस लाया जाएगा और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी पूरी तरह से हेल्प कर रही है भारत की, जैसे रशिया में हुआ था और यूक्रेन से वहाँ से मतलब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था और वहाँ यूक्रेन में हमारे जो नागरिक फंसे थे उनको यहाँ पे लाया गया था, वैसे ही इजराइल से अब नागरिकों को लाया जा रहा है। हालांकि ये युद्ध जो है अभी इजराइल ने तो घोषित कर दिया है, करीबन 5 दिन हो चुके हैं और कितना लंबा चलेगा ये अभी कह नहीं सकते क्योंकि अब उसमें और भी बातें साथ में जुड़ रही है जैसे कि इराक और ईरान उन देशों की भी बातें जुड़ रही है। हमास के साथ मतलब वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और हमास खत्म करने के आरे पे हैं, हथियार दिए बट वो हथियार जहां से जिस देश में लाए गए थे उस देश में से वहां से मतलब उस एयरपोर्ट के ऊपर भी इसराइल ने हमला कर दिया है और मतलब जो भी थे हथियार सारे मतलब उड़ा दी है ऐसा सुनने में आया है। लेकिन अब इसराइल है वो मानने वाला देश नहीं है, वो खत्म नहीं करेगा जब तक यहां तक की पूरा खत्म ना हो जाए, तो वो आर पार की लड़ाई लड़ेगा। बट मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सारे जो इशारे हैं कहीं ना कहीं क्या ये विश्व युद्ध की ओर विश्व युद्ध की ओर तो बढ़ नहीं रहे, बट आशा करते ऐसा कुछ ना हो और ये जल्द से जल्द सब कुछ खत्म हो जाए और खास करके आम इसमें बहुत बेकसूर लोगों की जो जाने जा रही है वो देख के बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि ये जो आतंकी है औरतों को किडनैप करके उसके कपड़े निकाल के उससे परेड करवाते हैं, उसके ऊपर मतलब पैर रख के थूकते हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, मतलब ये अब देखा नहीं जा रहा है कहीं ना कहीं ऐसा मतलब दिल से मतलब बोले ना कि जो तस्वीरें आ रही है सोशल मीडिया में वो देख नहीं पा रहे, मतलब जिस हिसाब से वहाँ पे बॉम्ब चल रहे हैं बारूद रॉकेट ये सब कुछ चल रहा है वो कहीं ना कहीं मतलब दहला देती है, ऐसी तस्वीरें भयानक तस्वीरें देखने को मिल रही है। हालांकि ये जल्द से जल्द सब कुछ मतलब बातचीतों से खत्म हो जाए तो सही है, अच्छी बात है, लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और जैसे रशिया में हुआ था रशिया ने बोला था कि अब हम खत्म करके रहेंगे बट हालांकि वहां पे भी 1.5 साल के ऊपर हो चुका है अभी भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। इजराइल का युद्ध 5 दिनों से स्टार्ट हुआ है बट और भी लंबा खींच सकता है क्योंकि इजराइल ने करीबन उसका जो विदेश मुद्रा भंडार था उसको 30 बिलियन जितना उन लोगों ने सेल आउट कर दिया है, तो लग तो रहा है कि अब ये लंबा और खींच सकता है। दोस्तों आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। इस वीडियो से फिलहाल हम आपसे विदाय लेते हैं, मिलते नए और एक वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।